मैक्सिमम लोग बात करते हैं कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। देखो जो लोगों की प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ तक सीमित होगी, एक होगी मनी, दूसरी होगी रिलेशन, तीसरी होगी और कोई प्रॉब्लम प्रोफेशन। प्रोफेशंस मोटा मोटा यहीं पे प्रॉब्लम लोग घूमेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही मेजर ये चाह रही हूँ। यही मेजर। आप जब भी देखेंगे इन सब के लिए जो मेन कारक बनता है, हमने पहले 10 बार 50 बार डिस्कस कर दिया, वो कौन है? दशा। हम दशा को इग्नोर नहीं कर सकते, बॉटम लाइन कुछ भी हो जाए, पत्थर की लकीर है, कोई कुछ भी बोले, बोलेगा बॉस आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन मैं दशा को इग्नोर नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी। अब जब बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, पैसा का घर कौन सा है, एक्यूमुलेशन का घर कौन सा है? सेकेंड हाउस जैसे ही एक्चुअली मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं, कोई व्यक्ति कहता है, आपको आंख बंद करके उसके सेकंड हाउस को टारगेट करना है। और जब मैंने उसके सेकंड हाउस को देखा कि भाई ये मेरा विटामिन एम है, ठीक है, ये मेरा विटामिन एम है, तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि ये जो सेकंड हाउस है इस पर इफेक्ट कहाँ कहाँ से पड़ेगा, ये देखना है। एग्रीड? जब मैं इसे देखता हूँ तो जी इस पर इफेक्ट कहाँ कहाँ से पड़ेगा वो देखते हैं। इस पर इफेक्ट पड़ेगा उसके तत्व से, एग्रीड? नंबर एक, तो हम देखेंगे क्या उसके तत्व में पॉइजनिंग है, उसका तत्व का इफेक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव, क्या दशा लॉर्ड का रिलेशन उसके तत्व या उसके ट्राइन या उसके हाउस से किसी भी रूप में है या नहीं, एग्रीड? दूसरी चीज ठीक हमने हमने क्या सीखी है इसको देखने के लिए, बैलेंस, है 8,000। बैलेंसिंग आया ना, जी सर जी दूसरी चीज हमने सीखी बैलेंसिंग। तो अगर उसका 8th हाउस बैलेंस नहीं है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ना ही पड़ना है। इसलिए आपने देखे होंगे कि जिनका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रेंथ होती है 8th हाउस में, उसके पास पैसा बहुत होता है। क्यों? 8th हाउस इज व्हाट? इनहेरिटेड वेल्थ। हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वो ऐसा धन है जो कि छुपा हुआ है, सडन मिलेगा आपको, अचानक मिलेगा, राइट? और वो व्यक्ति को अमीर बनाता है। और उसका लिंक कहीं ना कहीं 4th हाउस से तो देखना हो, मंगल भी इन्वॉल्व हो गया तो क्या करेगा, उसके बहुत भूमि होगी, बहुत प्रॉपर्टी होगी और उससे रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। कोई चार्ट बुरा नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए, कोई चार्ट। अब जब हम बात करते हैं कि वो बंदे के पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसकी एक प्रॉब्लम और होगी, पता है क्या? उसके पास इनकम ही नहीं हो रही है, ये भी तो आप नोटिस करोगे। सर कर्ज बहुत होता है बहुत से लोगों पे। वो अलग चीज है मैम, कर्ज है तो कर्ज खरीदने के लिए भी तो उसको इनकम चाहिए, जी या तो उसको अचानक कहीं से धन मिले कर्ज खरीदना है तो, या तो उसको इनकम चाहिए, दोनों ही नहीं हो रहा है, कैसे करोगे, राइट? लेकिन अब उसकी जो इनकम है, इनकम का बेस क्या बना, के क्या बना उसके स्किल्स, आया ना? और आप ये भी देख सकते हो कि इसका जी ट्राइन भी कहीं ना कहीं मैलिफिक इफेक्ट में आ जाए आ गया होगा। तो घूम फिर करके हमने क्या देखा कि 11th लॉर्ड और आपका 2nd लॉर्ड, उसको पकड़ लो और उसको लिंक कर दो तो दशा लॉर्ड से, रेमेडी दे दो, काम करेगी मतलब करेगी, ये गारंटी। ट्राई कर लेना आप सब। मान लेते हैं जल तत्व है और जल तत्व बुरी तरह से पीड़ित है, जल तत्व को कंट्रोल कर लो उसके। मैं तो एक सच बात बताऊं, आंख बंद करके एक रेमेडी देता हूं अक्सर, दशा लॉर्ड की फास्टिंग और 2nd लॉर्ड की फास्टिंग, और दोनों का मंत्र जाए, बढ़िया काम करते। कोई भी एक लगन बता दो आप, तुला लग्न तुला, तुला में 2nd लॉर्ड कौन है? मार्स मार्स मान लेते हो उसकी शनि की दशा चल रही है, क्या बोलूंगा? शनि और मंगल का उपवास रख ले भाई, शनि का मंत्र जाप कर ले, हनुमान चालीसा पाठ कर ले, और उनमें से कोई प्लैनेट, अगर उनमें से कोई प्लैनेट, अच्छा एक चीज बताओ,
मैंने याद है अभी कुछ दिनों पहले ही बोला हनुमान चालीसा सुना करो, मैं अक्सर सुनता हूँ अक्सर सुनता हूँ। ये क्यों बोला? मेरे पास पहले ऑडियो ही था, मैंने ऑडियो बना रखा था, वो ऑडियो लगा रहा था। मुझे लगा है इसको वीडियो फॉर्म में बना के डालता, जिसको डाउनलोड करना डाउनलोड कर लेगा अपने डेस्कटॉप पे सुनता रहेगा। क्योंकि हमारे कान कौन से हाउस से देखते हो आप? दोनों कान। कान कौन सा हाउस है? थर्ड सर सेकंड हाउस, थर्ड 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 हाउस तो थर्ड हैंड्स हो गए। नहीं, थर्ड हमारे कान ईयर भी कौन से हाउस गौरव जी? हेलो हाँ जी बताइए। सब। हाँ बताइए आप कह रहे थे कुछ। मैंने कहा हम कान किस हाउस से देखते हैं? यस थर्ड सेकंड सर, थर्ड हाउस, से। और फिफ्थ? थर्ड हाँ फिफ्थ थर्ड थर्ड एंड इलेवेंथ। इलेवेंथ का भी तो प्रभाव रहेगा उस पे। जी सर, थर्ड इलेवेंथ आप जब बोलते हो कि मेरे राइट पास, एंड लेफ्ट हाँ जब आप बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, जब आप सर। बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आप देखोगे ये जो वाला ट्राई ना, ये वाला, ये बहुत मायने रखता है। ऐसा व्यक्ति अगर वो स्पिरिचुअल म्यूजिक सुने, इस इन दोनों हाउसेस को फील करे, खास करके जो प्लैनेट वहां बैठा हो, या फिर जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा हो, या फिर जो इस प्लैनेट का डिस्पोजिटर हो, उससे रिलेटेड मंत्र सुने, चमत्कारी रिजल्ट आए। लेकिन उस सुनने का मतलब ये नहीं कि 10 मिनट सुन लिया फॉर्मेलिटी, ऐसा नहीं। उसको ना उसके सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा, मतलब नींद में भी वो मंत्र चले, ये धन देगा। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स। ये ध्यान रखो, अभी जैसे हमने बात किया मेरे पास इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है, भाई स्किल्स डेवलप करो, पैसा आएगा। क्यों नहीं जनरेट होगा पैसा? बैलेंसिंग के बिना कभी भी चार्ट को देखोगे, आपको एक्चुअल में ना रेमेडी का डिफाइन करना नहीं बन पाएगा, ध्यान देना। बैलेंसिंग के बिना रेमेडी नहीं काम करती। और तत्व सबसे इंपॉर्टेंट, सपोज ये तत्व मैलिफिक है, क्या करोगे? जब तक उसको हीलिंग नहीं करोगे, डिटॉक्सिफाई नहीं करोगे उस तत्व को, उस तत्व के मैलिफिक इफेक्ट को नहीं निकालोगे, क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, नहीं। राइट? तो पैसा किसी का भी चार्ट ले लो, आपका ले लो, आपके पति का ले लो, दोस्तों का ले लो, आपको सिर्फ टारगेट करना इन दो हाउसेस पे, क्योंकि ये जनरेशन है, ये एक्यूमुलेशन, ठीक है? और उससे बेस पकड़ के चलो, ये जनरेशन है तो इसका ट्राइन और इसका बैलेंस, ये एक्यूमुलेशन है तो इसका ट्राइन और इसका बैलेंस। यहाँ तक क्लियर? जी सर, हाँ संजू जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अच्छा सर, बिल्कुल, अगर जैसे थर्ड और इलेवेंथ में प्लैनेट नहीं है तो हम लोग राशि फिर ले सकते हैं उस राशि को पकड़ना, राशि लॉट को? बिल्कुल राशि को पकड़ना। हाँ बेसिक मत भूलना, दशा लॉर्ड रिजल्ट देता है, दशा लॉर्ड को एक्टिवेट करता है, और दशा लॉर्ड के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठे होंगे, ठीक है? जी जैसे केतु की दशा है, केतु के तीन नक्षत्र होते हैं, के जो नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा होगा वो रिजल्ट देगा, इस बात को कभी नहीं भूलना। इसलिए दशा लॉर्ड की रेमेडी तो करनी ही ठीक करनी है, ये मस्ट है, हाँ ये बाय डिफॉल्ट है, इसको भूलना नहीं है, ये पत्थर की लकीर मान। नहीं कोई कहीं से भी आ जाए भाई दशा लॉर्ड की रेमेडी कर, कोई कहीं से भी आए दशा लॉर्ड की रेमेडी कर, ठीक है? जी उसके बाद ये फिर क्या प्रॉब्लम आई नेक्स्ट? रिलेशन। रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट किसको देखना है? सेवेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस। प्लैनेट में मून को देखना है। जितने डाइवोर्स के केसेस आप देखोगे, जितने रिलेशन के प्रॉब्लम देखोगे आप, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन है पता है? मून। टू टू में मून, उसके बाद मरकरी, सेवेंथ हाउस। क्योंकि देखिए रिलेशन केवल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं होता है, भाई भाई का रिलेशन,
रिलेशन होता है, पब्लिक भी रिलेशन होता है, पड़ोसी से भी रिलेशन होता है, राइट? जिसका मन शांत है राइट वो झगड़ेगा नहीं, हैंडल कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। जल तत्व मून, ठीक है। वाइफ के केस में 7, ठीक है। वाइफ के केस में वीनस, हस्बैंड के केस में मार्स, भाई के केस में मंगल या सैटर्न, राइट। बच्चों के केस में मर्क्यूरी, सन, मर्क्यूरी माँ के केस में मून, पिता के केस में सन, ठीक है। बड़े बुजुर्ग गए तो राहु केतु, इस तरह की चीजें, राइट। इस तरह से आप लोग चार्टिंग कीजिए स्टेप बाय स्टेप, तो वन बाय वन, और उनको एक कन्विंस करना पड़ेगा। बहुत इजी है, आपको सिर्फ अडाप्ट करना है, अडाप्ट करना है, अडाप्ट करना है। मुझे एक चीज बताइए, व्यक्ति जब तक इस कंसेप्ट को समझेगा नहीं, क्या वो रेमेडी कर पाएगा? नहीं करेगा सर। अभी मुझे आज किसी ने चार्ट डिस्कस किया, सेकंड हाउस में राहु है। राहु क्या है? भूख है। सेकंड हाउस में राहु बैठा है, क्या है? उसकी खाने की लालसा। मैम ने किया था शायद, मोनिका मैम, आपने किया था ना? हाँ जी मैंने किया सेकंड था, हाउस, मिस्टर डेल्टा हाँ, सेकंड हाउस में राहु है, क्या है कि का। खाने की भूख इतनी है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। राहु को बैलेंस किससे करना है? केतु से करना है। राहु को इधर संभाल नहीं, तो केतु यहाँ पे कटिंग कर रहा है, मेटाबॉलिज्म अगेन, इंटेस्टाइन। क्या हुआ? पूरा हाजमा बिगड़ा। किसके वजह से दिक्कत है? और व्यक्ति के पास धन भी नहीं आ रहा होगा, बोलो क्यों? क्योंकि उसने 2-8 के एक्सिस को बिगाड़ रखा है। जैसे 2-8 के एक्सिस को सुधारेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। 2-8 एक्सिस, सेकंड हाउस राहु, राइट। प्लैनेट की एक्सिस भी देखो, राहु केतु साथ में चल रहे। ऐसे कोई और प्लैनेट होगा उसका भी एक्सिस ही चलेगा, दो प्लैनेट साथ, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर एक क्वेश्चन पूछ सकते बोलिए मैम। मैम सर, ये राशि परिवर्तन पे थोड़ा कुछ बता दीजिए। जैसे राशि परिवर्तन, अगर, हाँ बोलिए। जैसे हाँ जी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जुपिटर वीनस के हाउस में और वीनस जुपिटर के हाउस में। मैम राशि परिवर्तन का मतलब है दे आर मेड फॉर इच अदर। कहने का मतलब है जुपिटर विल गेट इन, विल एक्ट लाइक ए वीनस एंड वीनस विल एक्ट लाइक ए जुपिटर, ठीक है। अब आपके इस केस को लेने के लिए ना मैम, हम ना एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बताइए आप, बताइए ना कौन सा लगन बना दो। सर मेरा ही बना लीजिए क्योंकि मेरी पत्नी नहीं है। कौन सा लगन है आपका? जेमिनी। जेमिनी। लगन जमीन है। दशा किसकी है? कहाँ वीनस बैठा है? तो 7th हाउस। आज थोड़ी आर इंडिया आप पे करते हैं। वीनस ये 3 नंबर की कुंडली है, ठीक है। अगर 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। अब मुझे बताइए वीनस कहाँ सर बैठा है? वीनस के साथ कोई और प्लैनेट, सर ठीक है। और 3, तो अगर 3 यहाँ पे है तो ये है आपका 2 नंबर। और जुपिटर कहाँ बैठा है मैम? 12th हाउस। ये मेरा जुपिटर बैठा है, ठीक और ये मेरा 9 नंबर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ कि 7, क्या 7-12 का राशि परिवर्तन हुआ है। दशा किसकी चल रही है? वीनस की।
जैसे आपकी वीनस की दशा आई, लेट्स अंडरस्टैंड। वीनस ने रिजल्ट कहाँ कहाँ से एक्टिव किया मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वीनस ने एक्टिव किया आपका 7th हाउस जहाँ वो बैठा है, ठीक है जी। उसके बाद और 12th हाउस जहाँ का लॉर्ड है, गेट 5th हाउस एक्विट, ठीक 5,000 है। अब क्योंकि वीनस और जुपिटर का राशि परिवर्तन है तो क्या होगा, जुपिटर विल इंस्टिंक्ट और जुपिटर और वीनस एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक कंसेप्ट है इसमें कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, बट उनके बिहेवियर अलग, ये ऐसी कहानी है। ये दोनों जुड़वा है, वीनस एंड जुपिटर। क्योंकि वीनस की दशा है तो वो ऑलरेडी 12th का रिजल्ट भी लेके चलेगा, अगर दशा नहीं पैदा तब भी वीनस हमेशा से 12th का रिजल्ट दे रहा है और जुपिटर, ये इसका मीनिंग। आपको लेकिन जुपिटर के दूसरे हाउस को नहीं देखना है, जुपिटर के नक्षत्र को नहीं देखना है, ओके क्लियर। okay. मतलब 7 नंबर 12 नंबर एक दूसरे के पूरक है, सेम ही रहेंगे। जब भी आप 7 नंबर कंसिडर करोगे वीनस को पकड़ोगे, समझना कि जुपिटर भी साथ में रहता है, वो 12th के रिजल्ट भी देगा, 12th और 7th दोनों के रिजल्ट देगा, हाँ ठीक है। और ये आपने नोटिस भी किया, जी ठीक है। जी और ये किसी भी चार्ट में आप देखेंगे ना, तो राशि परिवर्तन के केस में आप इस चीज को हमेशा पकड़ के चलना है, ठीक है। अगर वीनस पे जुपिटर नहीं भी है तब भी वो जुपिटर उसको अपना सहयोग देगा, देगा। लेकिन वीनस जुपिटर वाले कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ बहुत आगे जाते हैं, ऐसा मत समझना कि इनफैक्ट आपके लिए अच्छा है कि जुपिटर को अगर वो 12th हाउस को भी एक्टिव ही होगा ना, तो आपको स्पाउस का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग मिलेगा, ये पब्लिक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग मिलेगा, ऐसा होता है। हाँ कुछ भी इफ्स एंड बट्स होंगे ना, तो स्पाउस पब्लिक जी का सपोर्ट आपको हमेशा स्ट्रांग मिलेगा। लाइव एग्जांपल, आप इतने सारे कोर्सेज कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, ठीक है, आपको हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा जी है, आपकी आपके जो सर इन्वेस्टमेंट, बहुत आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करेगा, उसमें भी आपको हस्बैंड का सपोर्ट, क्यों है, इस राशि पर ओके। ठीक और है। सर इसमें एक और बात बताना चाहती हूँ सर, जैसे मेरे में तो राशि परिवर्तन है, मेरे हस्बैंड की पत्रिका में जुपिटर और वीनस एक ही साथ बैठे हैं, एक इनकी दशा कौन सी है, सैटर्न घर में, इनकी तो सैटर्न की चल रही का कोई लिंक है उससे, है, सैटर्न की 10th दृष्टि पड़ रही है जुपिटर और वीनस पे, 10वीं। ठीक है, मतलब वो उस पर प्रभाव डाल रहा है। और कुछ नक्षत्र का लिंक, राशि का लिंक, नहीं सर, ठीक है, वो केवल दृष्टि से उस पर अपना स्वभाव का प्रभाव डालता है, ठीक है। तो अभी केतु मिशन के लिए देखिए, क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे और हमें ये समझना होगा कि उनके क्वेश्चन किससे लेंगे, और कभी भी क्वेश्चन को टैकल करते समय तत्वों को भूलना नहीं है। तत्वों को पकड़ोगे तो कोई भी चार्ट आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। बाबू जी सही कह रहे हो ना, यस सर, कोई भी चार्ट हो आप तत्वों को पकड़ोगे तुरंत आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इसके पास ये कॉलम कहाँ से है, कैसे कॉलम कहाँ से है, और रेमेडी उस 6 स्टेप में छुपा हुआ है, बस स्टेप बाय स्टेप जाओ, ठीक है। हेल्थ को लेकर के कुछ थोड़ा सा रहता है, क्योंकि वो चीज़ मुझे आप लोगों को सिखानी है, वो कैसा है कि कई बार ना उसमें राहु बहुत बड़ा स्पॉइलर का, स्पॉइलर की भूमिका निभाता है, नोटिस किया होगा आप लोग। अच्छा एक चीज़ और है, एक रेमेडी है जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, ये मैं क्लास में भी लूंगा बाद में, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को दिक्कतें बहुत है, कई तरह की चीज़ है, ठीक है, उस केस में हम जब एनर्जी को यूज करने की बात करते हैं, तो हमने गंडमूल के केस में हमने क्या किया, अलग अलग पत्तों, अलग अलग तत्वों की रेमेडी सीख ली। तो आपको पता है कि जब मैं कोई टेम्पल बोलता हूँ तो
टेम्पल का मतलब कौन सा प्लैनेट हो गया? जुपिटर, केतु? जुपिटर, जुपिटर, गुरु, पंडित जुपिटर केतु या टेम्पल हुआ, राइट? जी। फिर जब मैं गंगा स्नान बोलता हूँ, स्पिरिचुअल स्नान, ठीक है, ये क्या हो गया? मून केतु, केतु मून प्लस, मून मून। प्लस केतु, ठीक है। तो जब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो रही है, ठीक है, जो कि हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो उस समय ना सबसे बेस्ट रेमेडी, आंख बंद करो, कुछ मत करो, अपना चार्ट भूल जाओ, फाड़ के फेंक दो चार्ट को, अलग अलग टेम्पल से जाओ, अलग अलग टेम्पल से मिट्टी उठाओ, वहां पे जाओ, मंत्र जाप दो, एक एक माला, उसमें मिनिमम आप ना 9 टेम्पल्स को टारगेट करो, ठीक है, मैक्स ना, आइडियली 5 to 9 होती है। तो जैसे आप शिवलिंग पे जाते हो तो 5 अलग अलग शिवलिंग, 9 अलग अलग शिवलिंग पे जाओ। अब आप शिवलिंग में भी देखोगे, कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, नोटिस किया आप लोगों ने? हाँ, जी हाँ उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। अलग अलग शिवलिंग पे जाओ, ठीक है, वहां पे जो जल आप जलाभिषेक करते हो, जल को ले लो, ठीक है, अगर मून की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, या फिर अलग अलग हाँ मूर्ति मंदिर में जाओ, डेटी मतलब देखे, या तो शक्ति के टेम्पल में जाओ, या तो शिव जी के, तो शिव जी के टेम्पल में जाओ, गणेश जी तो गणेश जी के टेम्पल में जाओ, और उन टेम्पल से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करो। जैसे आपने मिट्टी लाया तो उस मिट्टी को जल में डाल के स्नान करो, तत्व अगेन आपके पास, तो आपके बॉडी में आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप उसको ग्रहण करो, जैसे कि मैंने जल कहा, आपने 5 शिवलिंग पे, ज्योतिर्लिंग पे आपने जलाभिषेक किया, एक माला जाप किया, उस जल को ग्रहण करो। सिमिलर जब स्नान की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं जैसे गंगा नदी, तो एक ऑप्शन है कि गंगा के अलग अलग घाट पे स्नान करते, दूसरा है कि गंगा, यमुना, सरयू, समझे कि नहीं, अलग अलग नदियों को, हर नदी एक एक माँ का, एक माता की शक्ति का रूपक है, जब हम बोलते हैं फोर्थ हाउस, ठीक है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव शक्ति, तो क्या होगी, वो जो शक्ति है हम उस शक्ति को अपने चार्ट पे जगह जगह व्याप्त कर रहे हैं, और स्पेशली उसका व्याप्त कहाँ पे होगा पता हो, दशा लॉर्ड पे होगा। मान लेते हैं कि आपकी शनि की दशा चल रही है, शनि आपको तकलीफ दे रहे, ऐसे केसेस में ये रेमेडी बहुत ही डिवाइन काम करती है, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बात ये हो गई कि हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, ट्राई करना आप इसको। सर सैटर्न के लिए सर बताया ये आपने, अभी आपने बोला सैटर्न के लिए भी हाँ, कोई भी हो, मतलब किसी की भी दशा चल रही हो, वो दशा आपको फेवर नहीं कर काम रही है, तो उस केस में ये दोनों चीज करने में लाभ होता है, अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो, कंसिस्टेंटली हफ्ते हफ्ते, जी जी आपको खुद महसूस होगा कि जबरदस्त रिजल्ट है। ये सीधा जल सर तत्व, गौरव क्या सर हो गया? सर गौरव सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका वो मैसेज है कि नेटवर्क इश्यू आ रहा है कि हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए कौन सा हाउस फिगर करना है, फिफ्थ फॉर्म लगना और फिफ्थ फॉर्म हेल्थ के लिए फिफ्थ फॉर्म लगना कि मंत्र करे या दशा से फिफ्थ के करे, लगना से करिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दशा। ओके आप लगना से क्यों करते हैं, आपको अगर हेल्थ इश्यूज आई है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दशा लॉर्ड, ठीक है। दूसरी जी चीज है, देखिए जब जैसे मैं हेल्थ की बात करता हूँ, आपको क्या क्या देखना पता वो भी बता देता हूँ, आपको दशा तो देखना ही देखना, भूल जाओ सभी केस में दशा देखनी है, आपको लग्न हाँ देखना जी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के केस में, हाँ ठीक है, लग्न के बिना जी आप हेल्थ को नहीं देख सकते, कुछ भी हो जाए, आपका जो ये लग्न है, ये जहां बैठता है, ये जो लग्न है जहां बैठता है, ये आपका हेल्थ डिसाइड, और उसके बाद लगन लॉर्ड, लगन के साथ लगन की डिग्री अलग होगी, लगन लॉर्ड अलग होगा, मैम लगन लॉर्ड का लीकेज वो भी देखना है, उसको मैलिफिक इफेक्ट, और अगर बहुत सीवियर दिक्कत है तो 8 भी देखना है, क्योंकि ये आयु को निर्धारित करता है, ठीक है, जनरल प्रॉब्लम्स है तो वो लगन, लेकिन लगन लॉर्ड से ज्यादा मैं लगन देखना ज्यादा पसंद करता हूँ,
अब ऐसे केस में अगर लग्न लॉर्ड का नक्षत्र को उपाय किया जाए, उपयोग कारगर, ठीक है, लेकिन दशा की परमिशन के बिना वो काम लग नहीं होगा, दशा की परमिशन के बिना कोई काम नहीं होगा, ध्यान देना इस बात, ठीक है। क्यों संजू जी सही कह रहे हो ना, संजू जी गए लगता। सर। और कुछ? क्वेश्चन है गौरव सर का, हेल्थ के लिए फिफ्थ फॉर्म लगना, हेल्थ के लिए फिफ्थ फॉर्म लगना की मंत्र करे या दशा से फिफ्थ, और मंत्रा इज इनफ फॉर फास्टिंग ऑल्सो इज टू बी डन, मैं और फास्टिंग फिफ्थ को फास्टिंग इलेवेंथ में कैसे बैलेंस हो। मैं फिफ्थ की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं फिफ्थ की बात यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। आपको हेल्थ जो जनरेट हुई है उसमें दशा इंपॉर्टेंट है, ये तो मानते हो आप। हेल्थ इश्यू मतलब आपका, आपके हेल्थ बॉडी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लग्न। हाँ आप क्या कर रहे हो, मैं इसकी इसकी फास्टिंग करके मैं इससे एनर्जी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बेहतर है इसका लग्न को हील करो ना। फिफ्थ क्या है मैम, फिफ्थ जी क्या है आपका पास, हाँ ये आपका पास्ट है, और इलेवेंथ नाइन्थ क्या है आपका फ्यूचर है, ठीक हाँ है, और ये आपका क्या है प्रेजेंट है, लगन, ठीक है। अब आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि जब मैं इस ट्राइन को देखता हूं तो मेरा प्रेजेंट पीड़ा में, अब मेरा प्रेजेंट पीड़ा, आप क्या समझते हो कि मेरा, क्योंकि मेरा पास का प्रारब्ध इस पे इफेक्ट डाल रहा है, मैं उसको हील करूं, लेकिन आप प्रारब्ध पास को जाके हील नहीं कर सकते, आप पास को भी प्रेजेंट में ही प्रभाव, प्रेजेंट में ही ऐसा प्रभाव जनरेट करोगे कि इसके प्रभाव से वो पास सुधरेगा, समझे कि नहीं। कर्म कौन कर रहा है, ये कर रहा है हाउस का लॉर्ड, ये कर्म कर रहा है ना कि ये सपोर्टिंग है। आपका भाग्य कौन बना रहा है, आपका ये कर्म बना रहा है, जैसे मैंने आपको बोला आपके केस में आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट आपका कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है, ठीक है। मिथुन, ये मिथुन जो है वायु तत्व, ये यहाँ भी एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी को डाल करके वो पास प्रारब्ध को भी ठीक कर रहा है, और यहाँ पे एनर्जी डाल करके भविष्य को भी बस सुधार रहा है, यू आर गेटिंग अ पॉइंट, हाँ ठीक है। तो आपको हीलिंग लगन में करनी, अब मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद लगन सूर्य के प्रभाव में है, सूर्य शनि के साथ है, ऐसे कुछ, और शनि की दशा है, कुछ तो ऐसा कॉम्बिनेशन है, शायद शनि राहु है, समथिंग समथिंग इज देयर, जो मुझे याद आ रहा है। तो अगर ये जो लगन है, जो लगन जिस प्रभाव में है, ठीक है, इसमें नक्षत्र वैसे बहुत काम करती है, स्पेशली जब आपको हेल्थ की इशू हो ना, तो नक्षत्र वैसे बड़ी काम करती है, स्पेशली नक्षत्र के मंत्र जाप अगर किया जाए, ठीक है, नक्षत्र पे स्नान किया जाए, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो है हेल्थ इश्यूज में, लगन तो को देखना बहुत जरूरी है, सीवियर प्रॉब्लम है तो एक, ठीक है, ठीक है गौरव जी, आज लगता सबका नेटवर्क खराब है। सर दिक्कत है। हाँ सर, आपकी वॉइस भी थोड़ा ब्रेक होके आ रही है। मेरी वॉइस में ब्रेक है, जी ओके, सर। अभी भी, हाँ जी, थोड़ा अभी भी ब्रेक है, नहीं, अभी नहीं अभी ठीक तो है, ठीक बस है, ओके। नेटवर्क इशू है। सर एक चीज पूछनी थी बोलिए मैम, सर, जैसे दान करना है तो सर, दान का भी काफी लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये आपका अच्छा प्लेनेट है तो इसका दान नहीं करना है। कुछ बुरा छोड़ दीजिए, मैं इतना ही कहता हूं, अगर आपकी दशा लॉर्ड का संबंध 6-8 12 से बन रहा है तो उसका दान कीजिए, दशा लोड का संबंध 6-8 12 से बन रहा है तो दान करना अगर आपका दशा लॉर्ड छठे आठवें भावे भाव में बैठा है तो, या फिर है। दशा लॉर्ड छठे आठवें बावे भाव के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुंभ लगन में, कुंभ लगन में यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर किसका है, मून का है, उसकी दशा है मून के, मून दान कीजिए,
क्या सही मून लगन में बैठ के आपको हेल्थ इश्यू जनरेट कर रहा है, अब वो कुछ दिक्कत दे रहा है तो कीजिए। तो जो दान करते हुए सिर्फ इतना ध्यान रखना कि केवल 6-8-12 का कीजिए, वो भी इसलिए करने को कहता हूँ मैं क्योंकि आप लोग 6-8-12 को बैलेंस कर नहीं पाते। जी सर। बाकी तो मैं एक चीज बोलूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, दान देते हुए मुझे मत सोचो मैं किसका दान कर रहा जी हूँ, सर। क्योंकि आप जब आप जैसे आप इंटेंट बदलोगे और 12th हाउस को पकड़ोगे कि तू साथ दे जाएगा, और जिसको राजा ने साथ दे दिया उसकी प्रजा क्या करेगी बताइए। केतु को, जी केतु सर। को फ्लैगशिप कहते हैं ना हम लोग, जी सर। केतु का झंडा, क्लियर। हाँ जी सर। ये हाउस सर ये जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है तो नक्षत्र जिस सॉरी दशा लग्न जिस नक्षत्र में उसका दान और मंत्र जाप, या दशा लॉर्ड जिस नक्षत्र में ये उसका मंत्र और। मैम हाँ ये जी। किस डिपेंड करता है, दशा लॉर्ड का बाय डिफॉल्ट आप उपाय करोगे ही करोगे, ठीक है। हाँ अब जी। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को हेल्थ इश्यू किसने जनरेट किए। अब वो बोलता है अगर उसका हेल्थ इश्यू ऐसा, लेकिन मैं बोला वो भी दशा लॉर्ड का संबंध बनेगा तभी होगा मैम, ये बात ध्यान में रखना। हाँ ऐसा जी। करते हैं कि उसका लगन शनि के नक्षत्र में और शनि की दशा चल रही है, बैंड बज गई, शनि का ही उपाय करना है, ठीक है। अब दूसरा एजम्पशन ये है कि शनि की दशा है, ठीक है, और उसका लगन राहु के नक्षत्र में, शनि की दशा है उसका लगन हाँ राहु के नक्षत्र जी। में है, और हाँ राहु का संबंध कहीं ना कहीं, राहु का संबंध कहीं ना कहीं दशा लॉर्ड से बनता है। जैसे कि राहु जो है वो शनि के साथ बैठा है या शनि के ट्राइन में बैठा है, कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशन कर रहा है, तब भी आप देखोगे कि उसको हेल्थ इश्यू जनरेट हो गए, तब उस समय आपको राहु का दान कराना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बोलूँगा उसको दान क्यों करना, सबसे बेस्ट है उसके नक्षत्र की रेमेडी कर दो, जिस नक्षत्र में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल स्वाति में बैठा हुआ है, स्वाति का मंत्र जाप करवा दो, अनुष्ठान करवा लो उस व्यक्ति से, जो भी एक प्रिस्क्राइब संख्या होती है, संख्या नहीं पता है 10,000 12,000, श्रद्धा से करो जो करना है, क्यों नहीं रिजल्ट देगा। और लगन के हेल्थ के केसेस में महामृत्युंजय गायत्री मंत्र, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पहले बोला सुनना, सुनना एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा मैंने क्या कहा, बोलना, जब आप मंत्र बोलना। जाप करते हो तो आप सुनते भी हो और बोलते भी हो, तो आपका कौन कौन से त्रिकोण हैंडल होते हैं, एक होता है ये, कौन सा त्रिकोण है आपका, ये कौन सा त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण, अब ये कौन सा त्रिकोण है, काम त्रिकोण। काम त्रिकोण। तो अर्थ और काम त्रिकोण तुरंत हैंडल होते हैं जब आप स्वयं मंत्र जाप करते हो, नोटिस किया कभी। प्लस आप मंत्र जाप करते हो तो 5th और 8th भी एक्टिव होते हैं, तो ये ट्राइन भी कोई मजबूती मिलती है, तो बचा क्या, तो एक मंत्र जाप घूम फिर करके पूरे चार्ट को हैंडल कर सकता है अगर ढंग से किया जाए तो, इतनी शक्ति है मंत्र। सबसे बेस्ट है ओम नमः शिवाय हो, महामृत्युंजय हो, गायत्री मंत्र हो, हनुमान चालीसा लगा दो, बोलते रहो साथ ही साथ, सुनते रहो बोलते रहो बोलते रहो, खाना बनाने में सुनते हो बोलते हो, 3 बार चलने दो, 24 घंटे चलने दो, या आपका पूरा चार्ट उस मंत्र, वो जो मंत्र है ना, इस पूरे चार्ट पे एक झिल्ली लगा देगा, केतु की झिल्ली, उसके संरक्षण में आ जाएगा चार्ट, फिर देखो कैसे रिजल्ट आता है, कोई मैलिफिक वेलिफिक नहीं बचा। यही तो साधु महात्मा करते हैं, साधनाएं करते हो, उनका चार्ट देखना ही नहीं चाहिए, क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। जी। सर इसमें क्वेश्चन पूछूं इसी से रिलेटेड। बोलिए। सर जैसे मैंने आपको अपनी फ्रेंड का बताया था जिसको अभी कैंसर का हुआ है, सर उसकी भी जेमिनाई की ही कुंडली है और उसकी दशा शनि की चल रही है हाँ, शनि और बैठा कहाँ है, शनि 8th लॉर्ड है। शनि शनि 8th लॉर्ड है, बैठा है सर। 8th लॉर्ड। हाँ 8th लॉर्ड और 9th। हाँ 8th लॉर्ड जो होता है वो 8th मतलब क्या है, ओकल्ट, जब वो आपको परीक्षा लेगा तो एक लेवल पे लेता है, पीड़ा भी देगा, एक्सट्रीम देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 8th से जनरेट हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको जो कुछ उसकी रेमेडी बताई दबाने वाली, क्यों बताई थी, तो मुझे याद है शायद का संबंध था इसलिए। लगन किस नक्षत्र में उसका,
इसमें पुनर्वसु ही, पुनर्वसु। पुनर्वसु किसका नक्षत्र है? गुरु गुरु का। का। जुपिटर कहाँ बैठा है? सर जुपिटर बैठे हैं, सर लग्न में ही बैठे हैं। जुपिटर भी लग्न में ही बैठा है। जुपिटर का काम है एक्सपांड करना, क्योंकि आकाश सही, तत्व है, समझना होगा आपको। ठीक है, तो हाँ 3 नंबर में वायु तत्व में ही बैठा हुआ है। और राहु कहाँ बैठा मैम? सबसे इंपॉर्टेंट सर, कैंसर, राहु 10th हाउस में। राहु 10th में बैठा है, जुपिटर के घर में बैठा है। ठीक जुपिटर के घर है, 12 नंबर में बैठा हुआ है, तो में। 12 के साथ ये ठीक है।